ये अभी हम लोग एकदम ठीक है, मेरे जो जस्ट पीछे में जो है ये पूरी की पूरी वॉलनट जिसको हम लोग अखरोट बोलते हैं, यहाँ पर जो है अखरोट की जो है फार्मिंग या खेती हो रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से जो है एक पेड़ को जो है कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फलदार कैसे बनाया जाए, ट्रेनिंग और तालीम दी जाती है, जिसको हम लोग BSc कहते हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर में जो है BSc जो करते हैं वो 4 साल का कोर्स होता है। इसमें जो है स्टूडेंट्स को जो है ये आपके ट्रेनिंग दी जाती है कि अखरोट के पेड़ से जो है किस तरह से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फल निकाला जाए। आप लोग जो है इस वीडियो में जो है पूरी बने रहिए। अखरोट का फल है, ठीक है, अखरोट का पेड़ है, आप ज़रा से इस बारे में बताइए। देख लीजिए, ये जो यहाँ पे अखरोट आप देख रहे हैं बाग में, एक्चुअली कश्मीर में जो भी अखरोट के दरख्त है वो स्कैटर्ड है, उनमें ऐसे रेगुलर ऑर्चार्ड्स नहीं है। रेगुलर ऑर्चार्ड आई मीन कि जैसे हम यहाँ पे लाइन्स में बाग बनाते हैं, फिर इनको लाइन में हम क्या करते हैं, हम पूरा एक ब्लॉक बनाते हैं ऑर्चार्ड का। तो अगर आप देखेंगे कश्मीर में वो ज़्यादातर जो है सीडलिंग गार्डन के हैं, उन्होंने मान लीजिए अखरोट लाया, वही उसकी फिर सोइंग की, फिर उससे ट्री बनाई। तो उस ट्री में कम से कम कमर्शियल हार्वेस्ट के लिए कि पूरा ये जब अच्छे से फल देगा तो इसमें 20 साल लगते हैं जी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए तो क्या होता है कि ये यहाँ पे रेगुलर ऑर्चर्ड है, ये सारे ग्राफ्टेड है, तो 4-5 साल के बाद ये स्टार्ट करते हैं, मतलब बियरिंग में आने के लिए ये स्टार्ट करते हैं अखरोट, इसमें फल आता है अखरोट का। तो लेकिन अगर आप देखेंगे वहाँ कन्वेंशनल में जो हमारे मतलब गाँव में लगाते हैं वो फैलो लैंड ऐसे जो कहीं पे होगा लैंड में, तो उसमें लगाते हैं सीडलिंग ऑर्चन के, तो फिर उसमें वो पैबंद वगैरह नहीं करते हैं। यहाँ पे आप पूरा देखेंगे पैबंद किया हुआ है, छोटे छोटे जसामत के हैं, छोटे स्टैचर के पौधे हैं जो 4-5 साल के बाद मेवा स्टार्ट करते हैं देना। तो वहीं अगर आप देखेंगे वहाँ पे कन्वेंशनल में जो हमारे ऑर्चार्डिस्ट है, बागवान हजरात है, तो उनका जो होता है उनका अभी बड़े बड़े इसके मेवा के दरख्त होते हैं इसके अखरोट के, तो उनमें फल लगता है 20 साल के बाद। फिर जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसको जब हम मान लीजिए उतारते हैं, तो उस वक्त एक उसमें प्रॉब्लम आती है कि एक्सीडेंट्स होते हैं, जो बड़े ट्री में चढ़ता है कभी कभी उसकी वो डेथ हो जाती है, वो गिर जाता है। क्योंकि अगर हम इसकी टहनियाँ देखेंगे, इसकी टिविक्स देखें, दे आर ब्रिटल, इस पर जब चढ़ता है तो ये टूट जाती है बहुत सारी दफ़ा, तो उससे एक्सीडेंट हो जाता है। सर मेरा सिर्फ आपसे एक ही सवाल है कि किसी के पास ज़मीन है, ठीक है, और कोई जो है साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से जानता है, जी, वो अगर अखरोट का पेड़ लगाता है तो उसको कितना साल सर जो है और कितना मुद्दत के लिए उसको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा और कितनी उसकी खर्च होगी, ये ज़रा बता दिए शॉर्ट में। वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो भी मतलब जानता है, जैसे हमारे यहाँ पे ग्रेजुएट निकलते हैं हॉर्टिकल्चर के या और कोई एग्रीकल्चर से, या कोई यहाँ पे ट्रेनिंग लेता है, तो फिर वो क्या करता है, वो डिस्क्रिप्टिव कल्टीवार लेता है, वो वही जैसे हमदान है, सुलेमान है, या और कोई है सिद्ध के कुछ सिलेक्शंस है, तो उन्हीं को बरोए कार लाकर वो मतलब एक बाग बनाता है जो 4-5 साल के बाद मेवा स्टार्ट करते हैं देना। लेकिन जो हमारे मतलब आबाव अजदाद है, जो हमारे गांव में बंदे हैं, तो वो ज़्यादातर सीडलिंग ऑर्जन का ही लेते हैं जिसमें 20 साल लगते हैं उसमें, हालाँकि मेहनत वहनत कम ही है, वो लगाते हैं, खाद वाद भी नहीं देते हैं। यहाँ पे हम कटाई भी करते हैं, शाख तराशी भी करते हैं, खाद वाद भी देते हैं, पेस्टिसाइड भी छिड़कते हैं, तो अच्छे से इसको मैनेज करते हैं, तो इसका नेचुरली रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट। कितना वक्त लगेगा इसमें? 4-5 साल से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, खर्च कितना लगेगा सर? खर्च तो डिपेंड करता है, मान लीजिए इसका अगर आप देख लेंगे जो आप प्लांट लाते हैं वो बाज़ार में 400-500 के करीब आ जाता है, ठीक, तो वहाँ पे उनका कोई खर्च नहीं है, वहाँ पे सीधे वो क्या करते हैं, हाँ ठीक है, वो देते हैं मतलब अखरोट, इसमें उससे पौधा उगता है। कुछ खाद वगैरह का भी सर लागत आता है? देते हैं लेकिन वो नहीं देते, हम जैसे यूरिया देंगे। आपके हिसाब से अखरोट के पेड़ में खाद देना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी जरूरी, तो उसमें क्या खर्च आएगी सर? तो वो डिपेंड करता है, साइड कितना है, खर्चा कितना है। अच्छा सर, 4 साल के बाद सर पहले सीजन में कितना सर इनकम होगा? ये मतलब अगर आप देखेंगे 4-5 साल के बाद ये स्टार्ट करेगा, एक एक दो दो किलो देना, एक दो किलो। अब वो सर कितने कितने साल में बढ़ती रहेगी सर? वो नेचुरली फिर अच्छा अच्छा आता है, मतलब हर साल बढ़ती रहेगी ना सर? हर साल कितना सर, एक किलो बढ़ती रहेगी? ना ना ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे पहली साल जी सर एक किलो सर दी प्रोडक्शन, नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा? अगर आप अच्छे से करेंगे मतलब मान लीजिए रख रखाव, हाँ, तो आपको 20-25-30 किलो भी देता है नेक्स्ट ईयर, 20-25 किलो देगी, मतलब 7-8 साल के बाद। 7-8 साल के बाद, अच्छा। ये सर पेड़ जो अखरोट का, ये इसकी हयात कितनी साल होती है? इसकी हयात होगी मतलब मान लीजिए 40-50 साल। जी जी, थैंक यू सर।